Assalamu alaikum, this is your English teacher Muhammad Wakas. Dear students, in this video, I'm going to teach you some basic grammar, which is subject, verb, and objects. So before that, I want you to subscribe my YouTube channel so that you can receive our daily videos. So let's get it started. Students, duniya mein koi aisa kaam hai ki jo khud ba khud ho jaye? Obviously not. काम को करने वाला होगा तभी वो काम होगा. सुबह से लेके आप शाम तक हज़ारों काम करते हैं, क्या वो काम खुद ब खुद हो जाते हैं या आप खुद करते हैं? ऑब्वियसली आप खुद करते हैं. तो याद रखिएगा, दुनिया में हज़ारों कामों को करने वाला कोई ना कोई होता है. आप चाय पीते हैं, आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, तो आप एक काम को करने वाले हैं. तो जो भी उस काम को करने वाला होता है, जो काम को परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. आई होप कि सब्जेक्ट अब क्लियर है. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, अब वो जो आप खाना खाने वाला कौन बनता है? ऑब्वियसली आप हैं. तो आप एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं, तो आपको हम कहेंगे सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी काम को करे, और सब्जेक्ट सेंटेंस के हमेशा शुरू में आएगा. ऑलवेज रिमेंबर, सब्जेक्ट हमेशा हर सेंटेंस के शुरू में आता है. अगर हम बात करें वर्ब की, इस अगर सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसी तरह वर्ब के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. वर्ब वो होता है जो काम किया जाए. आप खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप, इन तमाम एक्शंस को आप कह सकते हैं वर्ब. ठीक है. और ऑब्जेक्ट आपके पास वो होता है जिस पर आप काम कर रहे होते हैं. आपका सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कंप्लीट नहीं होगा. अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को आप मिस कर देंगे, आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, तो आपका सेंटेंस गलत होगा. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप अगर कहते हैं मैं पीता हूं, आप क्या चीज़ पीते हैं? अब ये आपका जो सेंटेंस है, इसमें आगे वाले को समझ नहीं आ रही. क्यों समझ नहीं आ रही? क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी है, आपने उसको मेंशन नहीं किया. आप क्या चीज़ पीते हैं, आगे वाले को आपकी बात समझ नहीं आएगी. द रीज़न इज दैट आपकी सेंस आप आगे वाले को तक क्यों नहीं पहुँच रही, क्योंकि आपने सब्जेक्ट और वर्ब को तो इस्तेमाल किया है, लेकिन आगे जिस चीज़ को आप कर रहे हैं या जिस चीज़ पर आपका काम हो रहा है, उसको आपने मेंशन नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर आप काम कर रहे होते हैं. तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स. सो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट. हमारे पास डिफरेंस सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. अगर हम बात करें हमारे पास प्लूरल की, तो आपके पास आई, वी, यू एंड दे, ये सारे के सारे हमारे पास प्लूरल. अब प्लूरल से क्या मुराद है कि एक से ज़्यादा जब भी लोग होंगे उनके लिए आप ये प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. सिंगुलर से मुराद होता है एक. तो एक जब भी आप सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो उस सब्जेक्ट को यूज़ करके आप सिर्फ एक बंदे की बात करेंगे, एक से ज़्यादा की बात आप कभी भी नहीं करेंगे. तो ये है सिंगुलर और प्लूरल का थोड़ा सा डिफरेंस. प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा. जब आप एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, चाहे आप 100 लोगों की बात करेंगे, तो आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक बंदे की बात करेंगे. उसके लिए आगे हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं. तो सबसे पहले हमारे पास देखिए आई. आई का माना होता है जब आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप यूज़ करते हैं आई. आप कभी भी किसी दूसरे बंदे के बारे में बात करेंगे या तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे, तो यू विल नेवर यूज़ के आप ये कहें जी आई. नो, आई हमेशा उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे जब आप सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे कोई भी. ठीक है. उसके बाद आप वर्ब की एग्जांपल देखें. ड्रिंक, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब वो होता है जो काम किया जाए. आप कौन सा काम कर रहे हैं? पीने का. तो इसे हम कहते हैं वर्ब. मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क. मिल्क क्या है कि जिस पर काम किया जा रहा है या जिस चीज़ को आप कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिस पर आप काम करें
या जिस चीज को आप करें या पिएंगे या खाएंगे वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। आगे हमारे पास है वी। वी आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप एक से ज्यादा होंगे। आप कभी भी अगर आप एक हैं तो आप अपने लिए सिर्फ आई यूज करेंगे, अगर एक से ज्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वी। आगे देखें वर्ब की एग्जांपल देखें। स्लीप, स्लीप का माना होता है सोना। तो सोना आपका एक एक्शन है, एक वर्ब है, तो आप कहाँ इसको भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आपके पास है जी वाटर। वाटर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, कभी भी आप इसे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे आप इसे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसे वर्ब के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। आगे आपके पास है जी यू। यू आप हमेशा सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो पहला दोस्त अगर दूसरे दोस्त से बात करेगा तो वो कहेगा तुम, जैसे कि आप कहते हैं ना तुम मेरी बात को गौर से सुनो, तुम यहाँ चले जाओ, तुम ये करो। तो जब आप आगे वाले बंदे को मुखातिब कर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, उसके लिए आप यू यूज़ करेंगे। रन ये भी एक वर्ब है, भागना एक एक्शन है। आगे आपके पास है जी मैंगो। मैंगो ये खाने की चीज़ है, तो जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे एज ए ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। आगे मज़ीद हमारे पास कुछ और सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आपके पास दे। दे आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब, ये वैसे तो इसका माना होता है वो, ही का माना भी वो होता है, लेकिन दे आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब वो लोग आपके पास नहीं होंगे तो आप उनके लिए इस्तेमाल करेंगे जो आपके साथ मौजूद नहीं होंगे और वो एक से ज़्यादा होंगे। एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, बारह भी हो सकते हैं। तो जब भी आप पांच लोगों के बारे में बात करें, दस लोगों के बारे में बात करें तो आप दे इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास एग्जांपल है जी वर्ब की हेल्प। हेल्प का माना होता है मदद करना, तो ये भी आपके पास एक वर्ब की एग्जांपल है, यानी किसी भी एक्शन को आप वर्ब कहते हैं, तो हेल्प करना एक एक्शन है। ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल है क्रिकेट। क्रिकेट को आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आप ये कहेंगे आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट को यहाँ पर आप सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, कभी भी एज ए वर्ब या एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। प्लूरल की हमने बात कर ली है, अब हमारे पास हैं जी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर से मुराद क्या होता है कि जब आप वाहिद, वाहिद का माना क्या होता है, चाहे वो एक लड़की हो या एक लड़का हो, उसके लिए आप ही और शी लगाते हैं। शी औरत, ये एज ए सब्जेक्ट आप इसे इस्तेमाल करोगे। जंप, जंप का माना होता है उछलना कूदना, ये भी आपका एक एक्शन है, तो इसे आप एज ए वर्ब की एग्जांपल ले सकती हैं। अ लेटर, लेटर को आप कभी भी एज ए सब्जेक्ट या वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा आप इसे वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के बाद जो चीज़ भी आएगी वो ऑब्जेक्ट होगी। लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। तो ये जो आप क्या लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, तो आपके पास एक खत क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इट को कभी भी आप इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमेशा उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा जो जानदार नहीं होंगी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि पंखा, कोई मशीन है, कोई बल्ला, चेयर, तो इनके लिए आप इट इस्तेमाल करेंगे। गिव, गिव का माना होता है देना, तो जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्ब। स्कूल, स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, और स्कूल का आपके पास क्या होगा, आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल, यानी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, किस जगह पर, यानी किस चीज़ पर काम हो रहा है आपका, स्कूल पर काम हो रहा है, तो जिस चीज़ पर काम होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लें ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर आप अपने बारे में बात करेंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, अब मैं की बात जब भी आएगी तो आप सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, किसी और शख्स के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं स्कूल, मैं जाता हूँ, जाना आपका एक वर्ब है, ठीक है, और आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल की तरफ जा रहे हो,
तो आप जो जाने वाला एक्शन आप कर रहे हो वो आप कहाँ पे कर रहे हो, स्कूल के अंदर कर रहे हो या स्कूल में जाके कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये स्कूल आपके पास हुआ ऑब्जेक्ट। शी हेल्प्स मदर, शी अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शी आप लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ एक लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो आप उनके लिए दे इस्तेमाल करेंगे। शी हेल्प्स मदर, शी वो हेल्प्स एज ए वर्ब कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है, मदद करने वाला एक्शन परफॉर्म कर रही है, किसकी मदद कर रही है, अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, अपनी माँ की मदद कर रही है। अगर आप यहाँ पे कह दें शी हेल्प्स, सेंटेंस ये भी ठीक है लेकिन पूरी सेंस नहीं देगा, आगे वाले को समझ नहीं आएगी कि वो किसकी मदद कर रही है। तो जब आप ये लगा देंगी कि वो अपनी माँ की मदद कर रही है तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सेंटेंस की भी समझ आ जाएगी। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। दे एक से ज़्यादा लोगों के लिए, याद रखिएगा दे को आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप दो एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे। प्ले कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, खेलने वाला एक्शन, तो इसे हम कहते हैं वर्ब। ओके, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर हम कहें आपके सामने कोई कहे जी वो खेलते हैं, आप कहेंगे क्या चीज़ खेलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वेट करेंगे कि आगे वाला बंदा आपको बताए कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी गेम है जिसको वो खेलते हैं। अगर वो आपको बता देगा तो आपको बात भी समझ आ जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा हाँ वो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये फुटबॉल या क्रिकेट ये आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। वी टेक टी, हम पीते हैं चाय। वी एक से ज़्यादा, मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वी को आप तब इस्तेमाल करोगे जब आप एक से ज़्यादा लोग होंगे, एक के लिए आप सिर्फ अपने लिए आप सिर्फ आई ही यूज़ करेंगे। हम चाय पीते हैं, क्या काम करते हैं, पीने वाला एक्शन है, एक्शन कौन सा है, पीने वाला, और आप क्या चीज़ पी रहे हैं, टी। आपके सामने ये बोला जाए कि हम पीते हैं या हम लेते हैं, क्या चीज़, आपको समझ नहीं आएगी। तो जब तक ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा आपको बात भी समझ नहीं आएगी। वी टेक टी, हम पीते हैं चाय, तो चाय आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ही ड्राइव्स द बाइक, ही मर्द एंड शी औरत, और वो भी सिंगुलर। वो क्या करता है, कौन सा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, चलाने वाला, तो जो चलाने वाला होता है ये एक एक्शन होता है, तो इस एक्शन हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। वो क्या चीज़ चला रहा है, वो आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब किस चीज़ पर काम हो रहा है, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो या कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो अब किस चीज़ पर काम हो रहा है, मोटरसाइकिल पर, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। इट वर्क्स वेल, कोई मशीन है, कोई पंखा है, कोई भी चीज़ अगर अच्छी तरह काम कर रही है तो उसके लिए आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये काम कौन सा काम अच्छी तरह काम करता है। यू, यू जब भी आप सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो आप यू को इस्तेमाल करेंगे, कभी भी आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी तीसरे बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके सामने जो आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप उसके लिए यू को इस्तेमाल करेंगे। यू कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, रीड, रीड भी एक एक्शन है, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, जाना, ये सारे एक्शन है। अब कौन सी चीज़ पढ़ी जा रही है, आ स्टोरी, तो स्टोरी आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपके साथ कोई आपको दोस्त बताए कि आई रीड या यू रीड, तो क्या चीज़ पढ़ते हैं, आप कहेंगे क्या चीज़ पढ़ते हो भाई, तो अगर वो आपको बता देगा तो वो आगे वाला जो चीज़ जिसको मेंशन करेगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपने लर्न कर लिया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिसीव होती रहें। थैंक यू वेरी मच।